हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। राष्ट्र में 53 पत्रकारों के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग भी हरकत में आ गया है, और जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के पत्रकारों के कोरोना टेस्ट किए। बता दें कि गुरुग्राम में स्वास्थ्य विभाग ने गुरुग्राम के 30 पत्रकारों के रैपिड टेस्ट किट से टेस्ट किए, जिनके रिजल्ट नेगेटिव आए। बता दें कि रैपिड टेस्ट किट से सभी पत्रकारों के ब्लड सैंपल लिए गए और 15 मिनट के बाद उनका रिजल्ट भी सामने आ गया। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पत्रकार भी फील्ड में कवर करने के लिए जाते हैं और कई बार पत्रकारों को कंटेनमेंट जोन्स में भी जाना पड़ता है, ऐसे में उनके लिए कोरोना का खतरा होना स्वाभाविक है। महाराष्ट्र में पत्रकारों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्होंने फैसला लिया कि गुरुग्राम के पत्रकारों का भी कोरोना टेस्ट किया जाए। मीडिया पर्सन जो बॉम्बे में पॉजिटिव आ गए हैं, तो बड़ा जरूरी है कि फ्रंट लाइन पे हमारे मीडिया पर्सन भी काम करते हैं, और बिल्कुल रीच टू द अनरीच एरिया पर जहाँ भी किसी भी एरिया पे चले जाते हैं लोग, तो बड़ा जरूरी है कि उनकी सेहत का भी साथ साथ ध्यान रखा जाए। तो उसी को में एक बड़ी पहल की है हमने, ताकि हमारे मीडिया पर्सन का भी स्टेटस पता रहे। अच्छी बात यह है कि अभी जो 15 के करीब हम टेस्ट कर चुके हैं, सारे नेगेटिव हैं। इससे पता लगता है कि हमारे मीडिया पर्सन भी एहतियात बरतते हैं, सावधानी बरतते हैं, उसका नतीजा ये कि सब नेगेटिव आए। ये बिल्कुल किट बड़ी अच्छी किट है जी, और इसके अंदर हम मरीज को बिठाते हैं, उसके सारा पहले पर्टिकुलर सारे डिटेल नोट किए जाते हैं, फिर ICMR पे उसका एंट्री भी है साथ साथ, और उसके बाद जो ब्लड लिया जाता है तो आप देख रहे हैं कि वो तकरीबन सैंपल लेने के बाद किट IgM और IgG दो तरह से उसका लगता है, और उसके अंदर उसका रीजन डलता है, और वो विद इन हाफ एन आवर उसके रिजल्ट आ जाते हैं। अगर दो लाइन उसके अंदर आती है तो पॉजिटिव है, सिंगल लाइन आती है इट मीन वो नेगेटिव है, तो वही सामने ही उसका रिजल्ट दिख जाता है। मेरा नंबर क्या राम प्रकाश जी? 17 17।